ब्रवी गौरचंद्राय राधिकाय जयस्तदले कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म निखिला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रभुष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत लीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्वजनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मुझे प्रणाम करता हूँ। हम लोग भागवत का एकादश स्कंद की कथा श्रवण करें। एकादश का स्कंद का जो पहला श्लोक आता है अक्सर करके श्री नारद जी ये द्वारका में रहते थे। बोले क्यों रहते थे? बोले जो द्वारका भगवान का धाम है और जो भगवान का धाम भगवान अपना जैसे कि पिताजी अपने बच्चे को दोनों हाथों को बाहों के अंदर में रखते हैं वो द्वारका धाम भगवान की बाहों को अंदर है। मतलब भगवान अपना हाथ को द्वारा द्वारका को रक्षा करने वाले। बोले नारद जी द्वारका में क्यों रहते? कारण क्या पराज करके तो कारण है। बोले जब दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 संतान को सृष्टि की, पहले नियम होता था बच्चों को गुरुकुल में भेजो। अभी उनको गुरुकुल में भेजा गया, अभी जब गुरुकुल में पढ़ाई खत्म हो गया, अभी वो अपना संसार में गृहस्थ धर्म में आना चाह रहे थे, तब से नारद जी कुछ प्रश्न किए। बोले देखो तुम संसार में जा रहे हो, बोले तुम संसार में जा रहे हो, पहले संसार को समझ करके तो जाओ, नहीं फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। तो उन्होंने उनको कुछ कूट प्रश्न किया। कूट प्रश्न मतलब होता है बड़े गहरा प्रश्न किया है उसने। उनका पहला प्रश्न है बताओ ऐसे कौन सा भील है जो बीन में एक बार घुस जाओ ना निकलने का रास्ता नहीं, बता सकते हो कौन सा बीन? बोले गुरु जी बीन में तो घुस निकला और यही तो प्रश्न है, जो बीन में एक बार घुस जाओ निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये संसार माया के संसार घर के ना कोई एक समस्या हम सोचते हैं एक समस्या हल हो जाएगा ना हम चैन मिले, अब देखना वो एक समस्या तो हल होती नहीं, सामने तीन समस्या रहती। हम सोचते भैया किसी तरह से ये तीन समस्या हल हो जाएगा चैन आए, देखना वो तीन समस्या तो हल हुई नहीं, पांच समस्या। जैसे मकड़े जाल बनाते ना, वो जाल बनाते 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 उसमें ऐसे फंस जाते खुद उसमें मर जाते। क्या उसी तरह इस संसार में भी फंसते 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 इतने बुरे तरह से फंस जाते हैं इतने बुरे तरह से और निकलने का जीव को रास्ता नहीं मिलता। बोलिए संसार घर के लिए ऐसे एक बी है जिसमें एक बार घुसो निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। उनके दूसरे प्रश्न है कि ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते वो चक्र अपने आप घूम रहा है। बोले गुरु जी हर चक्र को तो घुमाना ही पड़ता है, यही तो बात है, वो चक्र को कोई नहीं घुमा रहे हैं वो चक्र अपने आप घूम रहा है। काल चक्र है, ये काल चक्र है, इसको कोई नहीं घुमा रहे हैं। जन्मों में बच्चे थे धीरे 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 बड़े हो गए, लिखाई पढ़ाई कर लिया, घर शादीशुदा कर लिया, संतान हो गए, घर गृहस्थ बैठ लिया, करते 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 आँखों में धीरे धीरे बाल पकना शुरू हो गया, आँखों में रोशनी कम हो गई, दांत टूटना शुरू हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, हैं डंडा पकड़ ली, बस राम नाम सत्य। कहते चक्र को कहीं नहीं घुमा रहे, ये चक्र अपने आप घूम रहे हैं। बोले
भैया श्री का चक्र तो घूम रहा है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र नहीं घूम रहा है। भले कौन सा चक्र है, जो चक्र जिसका घूम रहा है सबका चक्र घूम रहा है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूम नहीं रहा है। बोले किसका चक्र नहीं घूम रहा है, बंद है। बोले तस्तरी ते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ते। जितने समय हम भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की भक्ति में जितने समय को हम लगाते हैं उसके ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि काल चक्र गहराए विद्या विश्वदास। कहते जो काल का जो काल है वो भगवान ही। सारा दुनिया काल को डरता है, काल भक्तों को डरता है। क्यों? वो हर समय भगवान की स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करता है। जो भक्ति करता है उसको बड़े काल कोई प्रकोप नहीं पड़ता है। मैंने तीसरा प्रश्न ये बताओ, पिताजी का आदेश क्या है? परम पिताजी का क्या आदेश तुम्हारे प्रति? बोले पिताजी गुरु के लिए। बोले ये पिता नहीं पिता तमेव तमेव बंधुस सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणमेव तमेव सर्व मम देव। हमारा जो परम पिता है उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या आदेश है? उसका एक आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यमोक्षयिष्यामि। बोले एक आदेश है, सारे धर्म को छोड़कर तो मेरे शरण में आ जाओ। मेरे शरण में आओगे तो तुम्हारे जितने पाप है ना सारे पाप से मेरे को मुक्त कर दूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। उनका जो सर्वश्रेष्ठ आदेश है गीता का, मन मना भव, मतलब ये मन को और किसी को मत दो, मत भक्त भव, भक्त बनना तो मेरे ही भक्त बनो। माम जाजी करना तो मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु नमस्कार करना तो किसको नमस्कार करे? बोले मेरे को ही नमस्कार करो। बोले ऐसे करोगे तो क्या होगा? बोले माम ऐसे तो मेरे को पाओगे, बोले तेरे को पाने से क्या होगा? बोले भगवान कहते अगर एक बार तू मेरे को प्राप्त कर लिया ना, इस संसार का जितने दुख कष्ट बंधन है सब खत्म हो जाएगा और चिरकाल के लिए तू मेरे पास आ जा, जहाँ जाने से कभी वहाँ से गिरना नहीं पड़ेगा, परम शांति और परम सुख को प्राप्त करो। इसलिए ये पिताजी का आदेश है, ये पिताजी की यही आदेश है। बोले शास्त्र का क्या आदेश है? शास्त्र क्या आदेश करता है? शास्त्र केवल एक आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु भी स्मर्तव्य ना जातु चिता सर्वे विधि निषेधा सुरते हरे। शास्त्र का केवल एक ही आदेश है, हर समय भगवान को स्मरण, भगवान को स्मरण करो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि यही शास्त्र का आदेश है। क्या आदेश है? हर समय भगवान का स्मरण करो। और निषेध किया है क्या नहीं करनी चाहिए? जैसे कभी उनको भूलना नहीं और करना क्या, हर समय उसको स्मरण करना। बोले सर्वे विधि निषेधा, यही विधि है उनका, स्मरण करो। निषेध किया उनको कभी भूलना मत, यही उनकी आदेश है। तब उनने फिर प्रश्न करके बताओ, ऐसे कौन सा स्त्री है जिसको बिना बुलाए वो घर घर में घूमती रहती है, जिसको घर में कोई बुला दे लेकिन वो घर घर में घूमती रहती है, वो कौन है? कहती है मृत्यु है। बताओ कोई मरना चाहते हो? कौन मरना चाहते? कोई भी मरना नहीं चाहते, लेकिन बिना बुलाए मृत्यु घर में आती है। घर में अपने आप बिना बुलाए उसके कोई शादी नहीं करना चाहते हैं, वो काल कन्या को कोई शादी करना नहीं चाहते, लेकिन नहीं चाहने पर ना सबको जोर जबरदस्ती पकड़ करके शादी कर रही है ना, जोर जबरदस्ती सबको पकड़ करके शादी कर रही है। लीजिए भले 25 तत्व का दर्पण तुमने देखा है,
25 तत्वों का दर्पण, तो शीशा देखे हो, ये क्या है? बोले जो शरीर है ना, यदि जो शरीर है ये 25 तत्वों के लिए, शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उन्होंने उनको बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर उन्होंने उपदेश दिया। बोले बेटा संसार में जा रहे हो, समझ बूझ करके जाओ, जो बील में एक बार घुसने पर निकल फिर निकल नहीं पाओगे, बताओ अभी क्या करोगे? बोले गुरुदेव इतने सुंदर सुंदर आपने उपदेश दिया, हम फिर ये माया के संसार में हम फंसना नहीं चाहते, हम चाहते भगवान की भक्ति करें, पास के जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए निकल जाए, अच्छी बात है। बोले गुरुदेव सुनने पर भी कुछ नहीं होता है। बोले खैर, बोले जब तक साधु गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होना तब तक सुनने पर भी कुछ काम नहीं होता है, इसलिए आप हमारे ऊपर आशीर्वाद करते हैं। पास नारद सर हाथ रखे, 10,000 बच्चे जो थे ना सब साधु, सबके सब साधु बन गए। दक्ष प्रजापति ने देखा मैंने इनको बच्चे दिया, तुम लिखा पढ़ा सिखा कर घर में भेजोगे, और उसने ऐसे पाठ पढ़ाया सबके सब साधु ही बना दिए, ये सबके सब बाबा ही बना दिए। फिर उन्होंने फिर 10,000 बच्चे जन्म दिए, देकर फिर गुरुकुल में भेजे। जब पढ़ाई लिखाई हो गई, बोले गुरुदेव आदेश किया है, फिर उन्होंने उनको यही प्रश्न किया, प्रश्न की तो फिर बोले भैया बड़े भाई जो काम किया हम भी कोई काम करेंगे, वो भी सबके सब साथ बन गए। अभी दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, मैंने 10,000 बच्चों को जन्म दिया, संसार का क्रम बढ़े और ये सबके सब को भीत मगाने वाले बना दिया, बोले खुद का घर का भी ठिकाना नहीं घुसते रहे तो, और दूसरों को पागल बना कर घुमाते, इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जा एक जगह में कहीं रुकोगे तभी तो तुमने दूसरों को बिगाड़ोगे, अभिशाप देता हूँ एक मुहूर्त से ज़्यादा समय तुम कहीं टिक नहीं सकते, एक मुहूर्त मतलब 8-6 महीने, इससे ज़्यादा तुम कहीं समय टिक नहीं सकते। नारद जी तो बड़े खुश हो गए, बोले अच्छा ही हुआ, पहले एक जगह में बैठ करके बिगाड़ता था अभी साधुओं की महिमा इनको क्या पता, इसलिए कहते तुलया नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संघस्य मर्त्यानाम चिंतास्य। श्री पृथ्वी महाराज जब चतुर्सन इनके घर में आए, साधु संघ की महिमा बता रहे हैं, अगर जीवन में एक लव साधु संघ हो जाए, एक लव कितना, एक सेकंड को 11 भाग का एकवा भाग को एक लव कहते हैं, अगर जीवन में ना समय अगर कहीं साधु संघ हो गया ना, वो साधु संघ में इतनी महान वस्तु प्राप्त होता है जिसको साथ में स्वर्ग और भगवान है, सारा दुनिया स्वर्ग जाना चाहती, क्यों रम भाव उर्वशी मेनका स्त्रियाँ सुंदरी, वहाँ पर पियो सुरापान करो अमृत पान करो नाचो गाओ, स्वर्ग दस स्वर्ग चाली स्वर्ग स्वर्ग हैं, उसके ऊपर मोह उसके ऊपर जन तप सत्य है, यहाँ तक कहते जो उसको पर जो मुक्ति धाम है, ये सारे सुख को इकट्ठ कर लो, लेकिन ये सब पर मिला करके भी साधु जो आनंद जो वस्तु प्राप्त है उसका एक लक्ष साथ में भी इतना आनंद को तुम बराबर नहीं कर सकते। तो क्या आप साधु संघ की क्या महिमा है, नाज बढ़िया है, सारा दुनिया को चेला बना कर हम शरबत चाह जाते सबको भगवान की कथा सुनाते और भक्त बनाते, लेकिन ये द्वारका में क्यों आते थे? बोले कारण में जो द्वारका ये भगवान का था, वहाँ पर दक्ष प्रजापति का कोई अभिशाप लागू नहीं, और दूसरे जगह में तो नहीं रह नहीं सकते, द्वारका में उनका अभिशाप का कोई काम नहीं करता था, इसीलिए क्योंकि भगवान का हाथ उधर रखे था, इसलिए जब नारद जी को कहीं एक जगह पर रुकना होता था ना, द्वारका चले जाते थे पास प्रभु के पास में, आनंद विराजते कथा सुनते थे कीर्तन करते थे प्रभु के दर्शन करते थे। ठीक है, गौर ब्रह्मानंद।